भाई तुझे पता है भारत का मृत्यु का औसत कितना है? कितना भाई? 100%। कैसे? अरे भाई जो एक बार जन्म लेगा उसको तो एक दिन मरना ही है। 100%। बात तो सही है, तो वर्ल्ड का कितना होगा? भाई मुझे तो मेरे देश का ही पता है सिर्फ। ए भैंस मेरे सामने से हट जा। क्या रे? ओ तू क्या रे, खुद मोटा है मुझे मोटा कह रहा है? आई एम फिट, आई एम हुए हुए, तुम्हें कहां से मैं मोटा लग रहा हूँ? दिमाग से पूरी बात तो सुन ले। कल एग्जाम है, वहाँ तुम पक्का फेल करने वाले हो। कल एग्जाम है? हाँ भाई। गोलू तेरा जिम्मेदारी था एग्जाम के डेट लेने। भाई तू भी तो कर सकता है। वैसे भी हम कौन से एग्जाम के पहले पढ़ते हैं? ओए केश आज शाम को फ्री है, मैंने डिसाइड किया हमें ग्रुप स्टडी करेंगे, तुम लोग क्या आना चाहोगे? ग्रुप स्टडी? अरे एग्जाम के पहले क्यों? पढ़ने लिखने में कोई स्कोप नहीं है भाई, जॉब मिलती है उनसे कितने लाइफ की लाइफ बनती है। बल्ली सुन, हमारे जो ट्यूशन टीचर है उनके तो सारे मुंह जवानी क्वेश्चन याद है। अगर तू कुछ भी पूछेगा वो आंसर देंगे तो? हाँ। अगर उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिले तो हमें कैसे मिलेगा? हाँ भाई बात तो सही है। रुक, मैं केश को बुला के आता हूँ। ओए केश। हाँ बोल। एक्सक्यूज मी केश, एक्चुअली मेरा मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम क्या मुझे हेल्प कर पाओगे? मैंने सुना तुम लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हो। जरूर। बल्ली क्या कह रहे थे? ओए यार ग्रुप स्टडी नहीं होने वाला। मतलब? अबे यार हमने डिसाइड किया कि पढ़ने लिखने में कोई स्कोप नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे? बल्ली कौन हम? तेरे पीछे तो कोई नहीं है। हाँ बल्ली, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कैसे बड़ा आदमी बनेगा? अरे तुम लोगों ने तो कहा था ट्यूशन के टीचर के सपने पूरे नहीं तो हमारे कैसे सपने पूरे होंगे? अरे बल्ली हमारे कहने का मतलब था सर के सपने पूरे नहीं हुए तो हमारा सपना यही होने चाहिए कि सर के सपने पूरे करे। इस बात को मैंने इतना सीरियस लिया कि सपने के घर से अब लेके 4 बार मैं घूम के आ चुका हूँ। तुझे जाना है बल्ली? हाँ। तो बात क्यों, आज शाम को मिलते सारे। हाँ मेरा फिनिश हो चुका है, मेरा आंसर आया है 0.28 सेंटीमीटर। 0.28 नहीं, वो 0.59 है। नहीं बल्ली, आंसर मेरा भी 0.28 निकला है। यार मेरे मैथ एक बार चेक कर ले। देख, एक भी रूल मैंने अनफॉलो नहीं किया। तो हम दोनों का कैसे गलत हो सकता है? तो फिर से एक बार भाई, मेरा आंसर 1998 सेंटीमीटर क्यों निकला है? वो तो ठीक है, मेरा 4 स्क्वायर निकला है। अब साला 4 स्क्वायर का आंसर क्या है? देखो यार एक साल नहीं किया तो एक दिन में क्या उखाड़ लेंगे। तो बोलू यार अब तो एग्जाम है, आप तो थोड़ा पढ़ ले। भाई मैं वन विन ऐप के थ्रू पैसे कमा रहा हूँ। कैसे? अरे वन विन ऐप के थ्रू तू इजीली पैसे कमा सकता है। तुझे इस ऐप में जाना है ना, पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, इसमें गेम है लकी जेट करके, उसे तुझे खेलना है। इसमें शांतु ने 6,000 रुपया बेट डिपॉजिट किया था और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। लकी जेट गेम का रूल सिर्फ एक ही है, तुझे सिर्फ पायलट के उड़ने से पहले मनी कलेक्ट करना है और पैसे विदड्रॉ करना तो बहुत ज्यादा आसान है। इसे जीतने के बाद तुझे सिर्फ वहाँ पर विदड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोई भी पेमेंट मेथड चूज करना है, UPI, पेटीएम, जो भी आपका मन करे। अगर तू मेरा कोड ले लिया 500 यूज करेगा तो तुझे मिलेंगे 25,000 डेमो अकाउंट में। और हाँ गाइस, इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक से डाउनलोड कर लेना। लेकिन डिस्क्लेमर है, इसको अपने रिस्क में ही खेलना, लत लग सकता है और 18 साल के नीचे हो तो खेलना ही मत। गोलू तेरा उम्र कितना है? भाई चल पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम है सामने। रूही कहो, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। 5 मिनट से तुम सिर्फ यही लाइन दोहरा रहे हो। मुझे कहना था। अरे भाई बोलो बोलो, इसमें क्या शर्माना? मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ। मतलब? रूही। हाँ? क्या तुम मुझे कल के एग्जाम के नोट दे सकते हो? प्लीज यार, अगर हम इस बार फेल हो गए तो हमसे घर से निकाल देंगे। मेरे पापा ने तो कहा है अगर मैं फेल हूँ तो मुझे 1,00,000 रुपया देंगे। बोलो, ये तो अच्छी बात है, 1,00,000 रुपया मिलेगा तुझे। अरे भाई ऑटो खरीदने के, उसके बाद मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। ओके ओके, क्या तुम्हें यही कहना था? हाँ, तो और क्या? आज शाम को आ जाना। रूही दरवाजा खोल। रूही जान दरवाजा खोलो ना। ये थप्पड़ पड़ेगा, मम्मी घर पे है। क्या मम्मी घर पे है? चलो रिश्ते की बात कर ही आता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। ये लो नोट। अरे अरे रूही सुन ना। अब क्या चाहिए? अरे इतना गुस्सा काहे को होती है? उस टाइम ना मैं कुछ और कहना चाहता था। हाँ ओके। उस टाइम बहुत लोग थे इसलिए बोल ही नहीं पाया। भाई अब तो बोल ही जाना पड़ेगा, बोल दे भाई। रूही। हाँ भाई 3 मैजिकल वर्ड बोल दे। भाई 3 मैजिकल वर्ड बोल दे। कल कौन सा एग्जाम है? लगता है भाई कोई कल एग्जाम ही नहीं है, जाके सो लेता हूँ। थैंक यू केश, तुम्हारे वजह से मेरा रिवीजन हो गया। अब तो मैं घर जाऊंगा। फाइनली मैं भी सोने जाता हूँ। क्या हमें छोड़ के तुम जा रहे हो? यार यश गोलू की तो रिवीजन हुई नहीं, हम कैसे दोस्त है, बुरे टाइम में उन्हें हम छोड़ के जा रहे हैं। नहीं गोलू, मैं और केश तुम्हारे साथ लास्ट टाइम तक रहेंगे। तुम लोग का सारा किसको चाहिए? मैं तो टीना की बात कर रहा हूँ। टीना हमें छोड़ के जा रहे हो? केश मैं आती हूँ। यश को देख के तो सीख सकता है, वो एट द एंड ट्राई तो कर रहा है। हाँ भाई तू इतना टाइम से क्या कर रहा है? भाई तुझको चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठी?
कल तो मैथ के एग्जाम है। भाई सुन, ए मैथ का एग्जाम हमसे तो होगा नहीं, तो उसके नेक्स्ट डे हिंदी का एग्जाम है, उसमें एकदम कंटाप नंबर लाएंगे। वैसे तो छोड़, यस तू गोलू को चिट्ठी लिख रहा है। हाँ। लेकिन तुझे चिट्ठी तो लिखना ही नहीं आता। गोलू को कौन सा पढ़ना आता है? हाँ भाई, ये बात तो मैंने सोचा नहीं, मैं बल्ली को लिखता हूँ। मुझे पढ़ना आता है। तुम लोगों का क्या नया रूल पता नहीं है? एक सब्जेक्ट में फेल मतलब पूरा अखा क्लास में फेल। क्या ये कब हुआ भाई? अब क्या करेंगे? अरे मैथ के बुक 7 टोटल चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ने पर देन पास मार्क्स तो उठा लेगा। 7 चैप्टर है और तू इतना टेंशन ले रहा है? एक रात में 7 चैप्टर ऐसे निकलेंगे ऐसे? 7 नहीं, 60 चैप्टर। 60 भाई, अब तो पढ़ाई भी नहीं होगी, मेरा सोने के टाइम नजदीक आ रहा है। भाई अब क्या करेंगे? मेरे पास मास्टर प्लान। भाई क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। अरे यार, हमें पढ़ना पड़ेगा भगवान के चरणों पर। क्या ये होता है रिविजन? यही असली रिविजन? क्या किताबों में पढ़ना? भगवान प्लीज इस बार हमें पास करवा तो मैं बजरंग दल में ज्वाइन हो जाऊंगा। प्लीज 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 इस बार किसी भी तरह पास करा दे तो मैं तो 10 लड्डू चढ़ाऊंगा। यश, एग्जाम कैंसिल हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने हमारी, भाई 10 लड्डू का इंतजाम कर। लड्डू का इंतजाम? एग्जाम तो कैंसिल हो गया ना, अब काहे का लड्डू है? और तू बड़ा कह रहा था तू बजरंग दल में कब ज्वाइन होने वाला है? अरे भाई, बात तो पास होने की थी, एग्जाम तो कैंसिल हो गया ना। ओए मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस तो नहीं हो गए? भगवान प्लीज क्या? तुम तीनों एक साथ कैसे? सर मेरा ट्यूशन में लेट हो गया है, इसलिए मैं लेट से आई। लेकिन मुझे तुम तीनों को देख के मस्त एग्जांपल याद आ रहा है। क्या सर, एक नादान लड़के के सामने एक हैंडसम बॉय ना? मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा, मेरा इंट्रोडक्शन। एक खूबसूरत फूल के सामने भिंगराती दो मधुमक्खी, सामने वही मधु खाने वाला एक मोटा। ये किसने कहा? किसने कहा? सामने जा, नहीं तो मार खा जाएगा। हाँ ठीक है। अब बेटा तुम ना स्कूल में आने से पहले कुछ बात याद रखना, दरअसल यहाँ पे कुछ लफंगे लड़के भी रहते हैं। सर खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चुप सर। और बेटी तुमने अपना नाम क्या बताया? अपर्णा। रबुन का नाम है लेलिया। अरे एमसी गोलू, तुम लोगों से किसने पूछा? हाँ बेटी, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम। भाई सर ने क्या बोला, इसका मतलब क्या? तुमने कल रात कौन सा सपना देखा? लड़की के सपना जान के क्या करेगा? छोड़ ना, मेरा क्या? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खरोच सुई लगाने वाली। भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके इसको 10-15 हजार का घिसा पिटा सरकारी नौकरी करना है? आपको तो पता ही है उनका मंथली 1-1.5 लाख का पैकेज रहता है। सर आपने तो कभी हमारे सपने के बारे में नहीं पूछा। तो तुम दोनों का भी सपना है? ठीक है, तो बताओ मुझे तुम दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इसका पति 1.5 लाख कमाता है। भाई तू क्या बनना चाहता है? मैं लड़की और पैसों के पीछे कभी नहीं भागता, मैं सपने के पीछे भागता हूँ। देन तुझे क्लास के वो सपना ही पसंद आया? ड्रीम सपना, और सपना तभी आता है जब मैं सोता हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन सोया रहता हूँ। गोलू वाह क्या बातें हो रही हैं, क्यों ना जरा मत मारा कन्या दान कर दूँ। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे थे। मुझे एक चाय का दुकान खोलना है, 10th फिल चाय वाला। और तुम्हें? मुझे वही चाय का दुकान बंद करना है, लेकिन भाई चाय के दुकान में मैं ही चाय बनाऊंगा। हाँ, ये बात तुम लोगों से जरूर सीखनी चाहिए। दोस्ती पे गोलू ने अपने ऊपर सारा काम ले लिया। नहीं सर, इसको प्रधानमंत्री बनना है। यार ये किन लोगों को भेज दिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आप बेटी तुमने क्या एप्पल का नाम सुना है? हाँ सर। भाई बताएंगे एप्पल का सीईओ कौन है? सीईओ हाँ, एप्पल का सीईओ है बाबर। एप्पल का पहला वर्ड बताओ। सर ए। तुम पास हो गई। भाई ये तो बहुत इजी एग्जाम है, हर साल यही क्यों नहीं कराते? सर पूछो इसी रिलेटेड पूछना। हाँ ठीक है ठीक है, इसी से रिलेटेड पूछूंगा। एप्पल गिरा ना न्यूटन के ऊपर, न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। भाई मुझे आता है, मैंने तो पढ़ा था। हाँ भाई न्यूटन कौन है? न्यूटन? अरे न्यूटन तो हमारे मोहल्ले के दूध वाला का नाम है। अरे भाई वो किताब में आ गया, वो तो स्कूल भी कभी नहीं गया। हमने इतना पढ़ा, हम किताब में आए ही नहीं। क्या कहा, तुम लोग भी किताब में आना चाहते हो? हाँ, सर। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ पेपर में तुम लोग जरूर आ सकते हो। सच्ची में सर? स्कूल के 2 छात्र हुए फेल और बने अपराधी। सर आपने शायद पूरा हेडलाइन नहीं सुना। स्कूल के 2 छात्र हुए फेल, अपने खरुस टीचर को दिया पेल और उन्हें हुई 4 साल का जेल। क्या भाई क्या क्या बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। सर आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। अरे बेटा तुम लोग पास हो, तुम्हें किसने बुलाया? बेटा तुम जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। ये तो आता ही नहीं, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये तो आएगा ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन तो अगर मैं पूरे खानदान लेके बैठू डेस्क पे फिर भी नहीं आएगा। देखता हूँ बड़ा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए। ये कौन सी भाषा में लिखा है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके लिए 10 नंबर। ये तो बहुत इजी है, पर इसका मतलब क्या है? साइड वाली लड़की से पूछ लेता हूँ। है सोने कोरी, लड़की ने थप्पड़ क्यों मारी? मुझे पहले स्टैंड भाई के बात याद रखना चाहिए थे। ये लड़की लोग दिन प्यार फिर दूसरे दिन हेट, मुझे अपने दोस्त के पास ही जाना चाहिए। यश यश ओ यश उठ। क्या हुआ भाई? 10 नंबर देख, 10 नंबर का क्वेश्चन। सोने में नहीं देता। 10 नंबर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए 10 नंबर, ये तो बहुत इजी है। हाँ तो बताना, पर इसका मतलब क्या है?
रुक रुक, मेरे सामने वाले टॉपर टॉपर, रुक उससे पूछता हूँ। उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे भाई तुझे भी मारा क्या? तुझे भी? अरे ये पीछे तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? खुसर फुसर नहीं, बात कर रहे थे। पता है ना एग्जाम हॉल में बात करना मना है। मैम शांत हो जाओ, एग्जाम में बात करना मना है। तुम दोनों का एग्जाम पेपर छीन लो। मैम छीन लो तो इससे एक बहाना मिल जाए कि मैम ने एग्जाम पेपर छीन लिया, नहीं तो एग्जाम अच्छा जाता। रुको मैं प्रिंसिपल को बुलाती हूं। अरे मैम मैम वैसे ही बोल रहा था, वैसे ही बोल रहा था। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? अरे मैम एक क्वेश्चन का मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो मुझे पूछ लो। अरे भाई पूछू? अरे पूछ ले मैम, मैम थोड़ी मारेगी। मैम मेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? भाई मैम ने भी बिठा दिया एक हाथ। भाई तुझे सुसु लगी है क्या? ये क्या कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रहा भाई। ओकेश है ना? हाँ भाई क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है ये। भाई वो टॉयलेट साइन क्यों दिखा रहा है? अरे भाई मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है टॉयलेट। इतना हाइपर रियलिस्टिक तो मैं नहीं बना सकता हूँ। चलो मनोहर भैया का संडासी बना देता हूँ, स्टेप मास तो मिल जाएंगे। अबे सुसु तुम जिससे करते हो वो है मेल रिप्रोडक्शन। ओ नो नो, क्या मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है नुनु? मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। ए एक थप्पड़ पड़ेगा, अपनी जगह बैठो, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी। अरे मैम चीटिंग नहीं करने जा रहा, टॉयलेट करने जा रहा हूँ। बहुत जोर से लगे, नहीं तो यहीं कर दूंगा। हाँ कर दो यहीं। क्या मैम अब बोलो, पहले तो सिर्फ एक दरिया था, अगर आप अभी रोको तो क्लास पूरा बाहर में डूब जाएगा। मैं प्रिंसिपल को बुला के लाती हूँ। मैंने सुना है कि चीटिंग करने के लिए तुम लोग टॉयलेट में जा रहे हो। अरे अरे नहीं सर, टॉयलेट करने जा रहे थे टॉयलेट। एक बात ध्यान से सुन लो, अपना चीटिंग मटेरियल अपने डेस्क पे रख दो। अरे सर लड़के आए, थोड़ी सी तो शर्म करो। अच्छा शर्म आ रही है तुम लोग को? अभी तो और शर्म आएगा जब तुम्हारे हम पूरे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुला के ये दिखाएंगे। भाई सर नशे वशे करके आया क्या? चलो ठीक है, मैं तुम लोग को एक आखिरी चांस, पांच गिनने से पहले अपने सारी चीटिंग मटेरियल्स डेस्क पे रख दो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो खुद हाथ से पकड़ेंगे और इस कैंची से खच 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 खच।